बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह का बयान है, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैंने बहुत आहू बुका की, यानी खूब रोया धोया और उनकी कब्र पर रोजाना हाजिरी देने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ कमी आ गई। एक रोज वालिद मरहूम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, ऐ बेटे, तुमने कब्रिस्तान आने में क्यों कमी कर दी? मैंने पूछा, क्या आपको मेरे आने का इल्म हो जाता है? उन्होंने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी हर हाजिरी की खबर हो जाती थी और मैं तुम्हें देखकर खुश होता था। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी मुर्दे भी तुम्हारी दुआ से राजी होते थे। चुनाचे इस ख्वाब के बाद मैंने पाबंदी से वालिद साहब की कब्र पर जाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मालूम हुआ कि कब्र वाले आने जाने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की आमद और उनकी दुआ और इसाले सवाब पर खुश होते हैं, और जो रिश्तेदार नहीं जाता उसके मुंतजर रहते हैं। सरकार इनामदार, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम का इरशाद है, मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि बाप या माँ या भाई या किसी दोस्त की दुआ इसको पहुँचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुँचती है तो उसके नजदीक वो दुआ दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह पाक कब्र वालों को उनके मिलने जुलने वालों की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की माने दता फरमाता है। जिंदों का तोहफा मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने मरे हुए रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ईसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।